बॉलीवुड में इन दिनों जहां आदि पुरुष फिल्म सुर्खियों में है, तो वहीं इसके बाद से ही ओम प्रकाश मेहरा की महाभारत फिल्म पर भी कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। इस फिल्म के एक्टर्स की कास्टिंग पर भी काफी ज्यादा सोच विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रौपदी या किसी भी कैरेक्टर के लिए एक्टर के चेहरे पर मुहर नहीं लगी है, मगर कर्ण के रोल के लिए एक सुपरस्टार का नाम कई दिनों से लाइमलाइट में बना हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस वक्त तमिल सुपरस्टार सूर्य महाभारत में कर्ण का रोल प्ले करेंगे, इस तरह की खबरें छाई हुई हैं। सूर्य से कर्ण का रोल प्ले करने के लिए उनकी बातचीत भी चल रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। भगवान कृष्ण के रोल के लिए कास्टिंग पूरी होने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि बाकी रोल के लिए किस एक्टर को फाइनल करना है। बता दें कि महाभारत सब्जेक्ट में दिलचस्पी दिखाने वाले फिल्म मेकर प्रोड्यूसर राकेश ओम प्रकाश मेहरा पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले एसएस राजामौली और आमिर खान भी इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। हालांकि खबरें ये आ रही हैं कि फिल्म की शूटिंग 2024 में शुरू कर दी जाएगी और बाय द एंड ऑफ 2023 फिल्म की कास्टिंग भी फाइनलाइज कर दी जाएगी और फिल्म की अनाउंसमेंट धूमधाम से की जाएगी। फिलहाल तो सूर्य अपनी अपकमिंग फिल्म कंगुवा की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी है और इस मूवी में उनके साथ पार्टनी भी आपको नजर आने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म महाभारत आदि पुरुष को पीछे छोड़ पाएगी या नहीं? क्योंकि इस बार अगर लोगों की भावनाएं फिर से आहत हुई तो काफी कुछ बुरा भी देखने को मिलने वाला है। आप क्या कहेंगे फिल्म महाभारत पर? कमेंट करके अपनी राय बताइए।